अल्पना जी कैसी हैं? ठीक हूं, लेकिन आपने अभी मुझे 5,10,000 का चेक नहीं दिया अभी तक। अरे वही तो लेके आया हूँ, ये लीजिए। आज ही जाकर मैं इस चेक को बैंक में लगा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आज ही जाकर अपने बैंक में आप चेक लगा दीजिएगा। मनीराज जी, आपने जो ये मुझे चेक दिया था, ये तो बाउंस हो गया। क्या गड़बड़ की है आपने इसमें? यार चेक तो मैंने आपको सही दिया था, अमाउंट भी सही डाला था, सिग्नेचर भी सही किया है, मेरे अकाउंट में पैसे भी हैं, फिर क्यों आपका ये चेक बाउंस हो गया होगा? अरे हाँ, एक गड़बड़ तो करी थी मैंने। अरे क्या गड़बड़ हो गई है? अजी मैंने आपको चेक तो दिया 5 लाख के ऊपर का, लेकिन मैंने चेक पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम जो कि नया नियम आया है अगस्त 2022 के बाद, उसको अप्लाई नहीं किया। दरअसल आरबीआई ने एक नया नियम निकाला है कि अगर आप किसी को चेक देते हैं 5 लाख से ऊपर का, तो आपको पहले ही बैंक को मैसेज करना होगा। अब ये जो है, आप या तो मैसेज कर सकते हैं बैंक के वेबसाइट से, या फिर बैंक की नेट बैंकिंग से, फिर बैंक के मोबाइल बैंकिंग से, या फिर आप कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं इसके लिए बैंक के, या फिर आप ब्रांच जाकर इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। तो ये कैनरा बैंक का चेक मैंने आपको दिया, ठीक है, और आपका अकाउंट था SBI में। अब क्या हुआ कि आपके बैंक ने ये चेक हमारी बैंक को वापस दिया कि भैया ये आपके आपके कस्टमर ने हमारे कस्टमर को चेक दिया है, देखिए सब कुछ सही है कि नहीं। लेकिन चूंकि मैंने अपनी बैंक को कोई मैसेज नहीं भेजा था, इसलिए मेरी बैंक ने ये चेक रिजेक्ट कर दिया और आपके बैंक को वापस कर दिया, यही गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो आप मुझे दोबारा ये दे दीजिए चेक। मैं इसको ले जाके अपने बैंक में लगाती हूँ और आप उन्हें मैसेज कर दीजिए। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से एक छोटी सी गलती की वजह से एक 5 लाख से ऊपर का चेक बाउंस हो गया। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये दिक्कत क्यों आई। बात ये थी कि चेक में सब कुछ सही था, अमाउंट था, सिग्नेचर सही थे, भरा सब कुछ सही था, लेकिन जिस व्यक्ति ने चेक दिया उससे बस एक गलती ये हो गई कि उसने अपनी बैंक को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया कि उसने किसी को चेक दिया है। इसी नियम को बोलते हैं चेक पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम। अब आप जो भी चेक किसी को देंगे, उसके पहले आपको या तो ब्रांच में जाकर एक फॉर्म भर के बैंक को बताना होगा, या फिर बैंक के कस्टमर केयर में फोन लगा के बताना होगा, या फिर मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग में अब एक पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम ऑप्शन आ चुका है, उसमें जाके आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा जिससे बैंक को इसकी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो इस वीडियो में आज हम यही देखने वाले हैं कि कैनरा बैंक में, कैनरा AI1 ऐप में हम किस तरीके से पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम का जो छोटा सा फॉर्म है उसको भरेंगे और उसे सबमिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और देखते हैं पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कैनरा AI1 ऐप में। दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है लेटेस्ट आया हुआ है और इसमें 250+ फीचर्स हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब देखिए, हमें पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम के लिए अंदर नहीं जाना है, हमें बाहर से ही ऑप्शन दे दिया गया है जो कि है SMS बैंकिंग। ये देखिए SMS बैंकिंग है, इसमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, आप वन बाय वन सारे ट्राई करो, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन आज हमारा टॉपिक है CPPS, सबमिट चेक डिटेल्स, तो यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो जो ऑप्शन दिए, मैं आपको सबके बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है लास्ट 4 डिजिट ऑफ अकाउंट नंबर, मतलब आपका जो अकाउंट नंबर है उसके आखिरी के 4 अक्षर आपको यहाँ डालने होंगे, ठीक है। आपका जो भी, जैसे आप कैनरा बैंक का यूज़ कर रहे हैं तो आपका कैनरा बैंक में अकाउंट होगा, क्योंकि आप कैनरा बैंक का चेक देने वाले हैं, तो कैनरा बैंक के अकाउंट के पीछे के 4 अक्षर आप यहाँ डाल दीजिए। फिर है चेक नंबर। अब आप अपने चेक में जो है ये चेक नंबर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ चेक नंबर, ये पूरा का पूरा आप स्क्रीन में अपने चेक देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है चेक नंबर। आपको ये चेक नंबर यहाँ पे डालना होगा जो भी आपके चेक में लिखा होगा। फिर तीसरा ऑप्शन है चेक डेट, मतलब आपने उस चेक बुक में क्या डेट भर के दी है सामने वाले को, वो आपको यहाँ पे चेक डेट डालनी होगी। फिर है चेक अमाउंट, चेक अमाउंट मतलब आप कितने का चेक सामने वाले को दे रहे हैं वो चेक अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर है MICR कोड या राउटिंग नंबर, यहाँ पे लोगों को बहुत परेशानी आती है कि MICR कोड कहाँ लिखा है, तो ये देखिए दोस्तों अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये पूरा का पूरा चेक है और ये है MICR कोड, इसको ध्यान से आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला है पेई नेम, पे नेम मतलब आप जिसको चेक दे रहे हैं और जिसका नाम आप चेक के ऊपर लिख रहे हैं उस व्यक्ति को पे ही बोलते हैं, तो आपको उसका नाम यहाँ पे डाल देना है। जैसा आपने चेक में नाम डाला है वैसा ही आपको यहाँ पे डालना है। सपोज़ कीजिए राजू को आप चेक दे रहे हैं लेकिन उसका पूरा नाम राजू श्रीवास्तव है। अब आप अगर चेक में राजू लिख रहे हैं तो यहाँ पे केवल राजू लिखिएगा, राजू श्रीवास्तव मत लिखिएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है।
उसके बाद आप यहाँ पे सेंड एसएमएस बटन में क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बैंक को एसएमएस चला जाएगा और बैंक को पता चल जाएगा कि हाँ आपने किसी को जो है इतने अमाउंट का चेक दिया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा फॉर्म भर लिया है, अब मैं सेंड बटन में क्लिक करता हूँ। ये देखिए, अब सेंड बटन में क्लिक करने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी है वो यहाँ पे आ चुकी है लाइन बाय लाइन। अब जो है आपके पास अगर दो सिम है तो यहाँ पे आपको सिम सेलेक्ट करना होगा, सिम वन सिम टू, और जो भी आपका नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड है वो सिम आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और ये देखिए, इस नंबर पे बैंक का ये नंबर है दोस्तों, इस नंबर पे अब मैसेज जाने वाला है, तो बस आप यहाँ से इसको सेंड कर दीजिए। तो यही था पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मैंने कैनरा बैंक के लिए बताया है, यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर आपका बैंक कोई दूसरा है तो वहाँ भी ऐसी कोई ना कोई ऑप्शन उन्होंने दी होगी अपने मोबाइल बैंकिंग में, तो आप वहाँ जाके ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरी प्रोसेस चेक पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।